अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुरत किचन एंड क्लीनिंग रूटीन। तो आज हमारा जो व्लॉग है वो है पार्क व्लॉग, जमजमा पार्क व्लॉग। तो ये देख सकते हैं बच्चा पार्टी रेडी है जाने के लिए और ये हम पहुंच चुके हैं। ये पूरा बाहर का एरिया, अभी हम पार्क में नहीं गए, ये बाहर का एरिया है। तो हाय, ये होता है माँ होने का अंजाम, मेरा बच्चा। ये आप देखें, हम पार्क में एंट्री कर चुके हैं। काफ़ी ग्रीनरी है, बहुत अच्छा है। अभी आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि बच्चों के लिए काफ़ी एंटरटेनिंग है। ये अभी आप देखेंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का नाम, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं तभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब एक साथ निकल रहा है। ये हमारे बच्चों की तफरी स्टार्ट हो गई, बहुत सस्ती तफरी है। 20 या 30 रुपये टिकट है बड़ों की, 15 रुपये बच्चों की है। और अंदर आप देखें झूले वगैरह, तो बच्चे भी खुश, हम भी खुश। ये देखें मेरा बच्चा अब्दुल हादी। ये इसकी बहन इसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करती ही रहती है। ये देखें, तेज नहीं, सीधे थोड़ी जाएंगे, उल्टा लेट कर जाएंगे। हम सबकी जान अटकी थी, लेकिन देखें कितनी चालाकी से आहिस्ता 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 उतर रहे। तो कहने का मकसद ये है कि बच्चों के लिए सस्ती तफरी है, अच्छी तफरी है, काफ़ी मज़ा है। अभी आप आगे आगे देखें और क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। अभी तो हमने आज इसके सिर्फ 2 ही हिस्से एक्सप्लोर किए और बहुत सारे हिस्से हैं इसके, इस पार्क के। इसने मुझे आज पूरा दिन भगा भगा के मेरा आधा किलो वजन तो गिरा ही दिया। पूरे पार्क में इसे भागने की पड़ी हुई थी। ये देखें बेटा, चढ़ लोगे ऊपर। ये देखें हमारी तीसमार खान। ये देखें हमारा टिक्की पैक, इनको हर जगह मस्ती है, हर जगह हंसना खेलना है। ये देखें, मतलब हर किस्म के झूले हैं कि बच्चा कोई बोर ना हो, एक या दो नहीं है, बहुत सारे झूले हैं, डिफरेंट हैं। हवा है, टाइम अच्छा निकल जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे गपशप लग रही है बैठ के, ये बेटा झूलने के लिए बच्चों। देखें कितनी सारी फैमिलीज आई हैं, ये फैमिली पार्क इजीली जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। अभी तो आगे कहानी बाकी है, अभी तो ये सिर्फ पहला पार्ट है मेरे व्लॉग का। ये देखें, ये मेरा सबसे तेज बच्चा अब्दुल कादिर, मेरा सबसे प्यारा बच्चा। ये देखें नीचे भाग रहे हैं। हर बच्चे ने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया कि घर जाके फौरन सो गए, इतना थक गए। ये देखें बंदर। टाटा टाटा। ये हमारा सबसे प्यारा बंदर है, सबसे प्यारी गुड़िया है मेरी रोहामा। इनका बस नहीं चलता है ये चढ़ जाएं, क्योंकि ये डरती नहीं है। इन्हें हर तफरी चाहिए, हर बड़ों वाली चीज़ चाहिए, झूले भी झूलने हैं, क्योंकि हम तो बहुत तेज हैं, है ना। ये देखें, ये हमारे वाले जो अब्दुल हादी भाई साहब हैं, इनको बहुत डर लगता है हर चीज़ों से। ये आपकी और हमारी शिफानवर, इतने बड़े होके भी इनको झूले झूलने थे। अब आप ये देखें, ये बंदरों की तरह लटकी थी। और ये अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं ये आहिस्ता में आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, अब हम किस तरफ जा रहे हैं। ये शिफा के हाथ में कैमरा था, इसलिए अपनी टांगे भी इन्होंने दिखा दी। आप ये देख सकते हैं, इतना खूबसूरत पार्क है कि आपका दिल ही नहीं चाहे वहाँ से वापस आने का। बहुत ग्रीनरी, बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा पार्क है, और कुछ ख़ास इसमें वो भी नहीं, एक्सपेंस भी नहीं है। ये देखें, अब हम एक ग्राउंड की तरफ आए हैं। अब हमारी जो दूसरी तफरी, दूसरी एक्टिविटी है बच्चों की और हमारी, वो इस ग्राउंड में होगी। दुल्हारी टाटा करो। अब ये देखें, ये जो एक्टिविटी है वो ये है कि स्केट्स।
आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे स्केट्स पहन के रेडी हैं, तो ये बच्चे एक्टिविटी करेंगे अंदर। बहुत सही रेट्स हैं कि अगर आपके अपने स्केट्स हैं तो 150 रुपये पर घंटा, और अगर आप स्केट्स वहाँ इन लोगों को कैमरा देख के बोलने में बड़ा मज़ा आता है, और अगर आप यहाँ से स्केट्स खरीदते हैं तो 250 रुपये पर घंटा, तो मतलब ये कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे बच्चों के पास स्केट्स थे, दो तीन बड़े लोगों ने जो शिफा ने मैंने स्केट्स लिए थे, तो हमें सही लगा। आप ये देख सकते हैं बच्चों का ग्राउंड है, फुल बच्चों ने इंजॉय करा, बहुत मज़ा आया। ये देखें, ये देखें, बहुत तेज़ है ये मोहम्मद साकिब, बहुत तेज़ है स्केटिंग में, इसकी वालदा ने घर में सिखाया है, आप यकीन कर सकते हैं। बाकी तो हम लोग जैसे बच्चों को लेके निकलते हैं सिखाते हैं, इसकी वालदा ने घर में सिखाया था। ये देखें उम्मुल कुरा और अब्दुल कादिर स्केट्स चला रहे हैं, फर्स्ट टाइम के हिसाब से ये लोग भी बहुत बहुत अच्छा चला रहे हैं। ये देखें शेफान वर्क को, बहुत वो देखे, वो गिर गया लड्डू खाया। ये मेरा बच्चा बहुत बेचैन हो रहा था, पूरे ग्राउंड में भाग रहा था, हम पकड़ पकड़ के इसे यहाँ पे ला रहे थे, बहुत मस्ती हो रहे बहुत ज़्यादा। ये मैं ग्राउंड में आ गई स्केट्स पहन के, जी मुझे आता है, मैंने बचपन में सीखा था, चलाए हुए मुझे तकरीबन 12 से 15 साल हो गए हैं, तो 10 या 12 साल की थी तब मैंने सीखा था, और अब स्केट्स पहने विद इन 5 मिनट्स याद आ गया। इतनी तेज़ स्पीड नहीं है बट काबिले कबूल है यार। चलाती हुई कैसी लग रही हूँ, आई होप इंसान लग रही हूँ, लेकिन आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आप लोगों को। ये बच्चे बीच बीच में इतना आ रहे थे कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ, मैं पूरे ग्राउंड में शोर मचा रही थी। और यहाँ हमारा सफ़र ख़त्म हुआ, हमने स्केट्स पैक कर लिए, बच्चों का थकन से बुरा हाल था, अब हम ये वापसी की तरफ हैं। आखिरी में एक आप लोगों के लिए छोटा सा बड़ा प्यारा सा सरप्राइज़ है, वो ज़रूर देखिएगा। ये पानी, ये जो मैंने दिन में नहीं दिखाया था अभी आपको, ये रात का मंजर इतना खूबसूरत लग रहा था कि दिल आ गया था मेरे इस पर। खैर हमारा सफ़र यहाँ पे ख़त्म हुआ, एक छोटा सा सरप्राइज़ आप लोगों के लिए है, तो ये सरप्राइज़ है, बोले 1 2 3